हाँ तो साथियों, आपसे एक बात करना चाह रहा था कि सबसे पहले नंबर पे अभी आपने देखा होगा ये एक धन कुबेर वाला जो चल रहा है। धन कुबेर वाला नहीं, ये कानपुर वाले जो हैं, ये जो इत्र व्यापारी हैं कन्नौज वाले, तो इन इनके इनके घर में करोड़ों रुपए मिले हैं। ठीक है, तो इनके घर में करोड़ों रुपए जो मिले हैं, तो इन्होंने बताया है कि बहुत सिंपल रहते थे। करोड़ों रुपए इनके घर में रखे हुए सोने की ईंट मिली। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये जो करोड़ों रुपए घर पे रख रखे हैं इन्होंने, ये अगर आपके पास होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से है कि ये कैश इज ट्रैश, यानी ये इन्होंने जो घर पे रख रखा था कूड़ा, वो यूज करते नहीं थे, हवाई चप्पल पहनते थे, बिल्कुल सिंपल रहते थे, कि स्कूटर से घूमते थे। तो आप बताइए वो पैसा उनके काम का है या यूजलेस है? मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि अगर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप पैसे को यूज नहीं करते, तो वो पैसा आपका जीरो है, ट्रैश है, कागज के टुकड़े हैं, वो यूजलेस है। अगर इतना पैसा आपके पास होता तो आप क्या करते? आप बताइए कहां इन्वेस्ट करते? और मेरे हिसाब से उनके बच्चों ने भी यूज नहीं कर पाया, और वो पैसा गया, वो जो सरकार के पास गया, मुझे नहीं लगता कि वो वापस मिलेगा। वो पैसा सबका सब चला गया, करोड़ों रुपए, है ना? तो तुम ना अच्छी गाड़ी यूज कर रहे थे ना पैसे, मतलब पैसे को जब तक आप यूज नहीं करते हैं, तब तक वो क्या है? कैश इज ट्रैश, यानी वो कागज के टुकड़े हैं। अगर आप पैसे को यूज करते हैं, है ना, आपके बच्चे हैं, गाड़ी है, कैसे कैसे यूज करेंगे? अगर इतना इतना करोड़ों रुपए मेरे पास होता तो मैं क्या करता? अगर आपके पास होता तो आप क्या करते? कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से पैसे का यूज करना चाहिए, तभी वो पैसा है, वरना तो वो कबाड़ है ना, कूड़ा है, वो घर में रख रखा उन्होंने, तो मेरे हिसाब से वो कबाड़ है, कूड़ा है। तो ठीक है, बताइए, कमेंट में जरूर बताइए मुझे। ठीक।